हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिलीशियस डिज़र्ट लेके आई हूँ, जो कि बनाने में तो आसान है ही, अपीयरेंस में और टेस्ट में इतनी बढ़िया है कि आप जब बनाएंगे आप खुद ही बहुत पसंद करेंगे। तो आइए चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पे एक पफ पेस्ट्री रोल ले लिया है और इसको अब मैं खोल लूँगी और स्मॉल पीसेस में काट लूँगी। तो आप कोई भी पफ पेस्ट्री रोल ले सकते हैं और उससे बना सकते हैं। शेप के लिए आप कोई भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कोई भी शेप में रख सकते हैं, सिंपल रखना चाहें, और कोई इसको डिज़ाइन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक डिज़ाइन दिखा रही हूँ, आप चाहें तो ये बना लें या फिर प्लेन भी रख लें या अपने तरफ से भी कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो ये बनेगा ही बढ़िया। मैंने ये एक डिज़ाइन बना लिया है और मैं इसको अब क्या करूँगी, ओवन ट्रे में रख दूँगी और इसको 180 डिग्रीज में मैं ओवन को हीट करके 20 मिनट्स के लिए ओवन के अंदर डाल दूँगी। अब मैंने एक बोल में ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरीज ले लिया है, इनको वॉश करके स्लाइस कर लिया है। इसके ऊपर मैं थोड़ा चार बूंदे मैं नींबू के रस की डालूँगी और जैसे कि इसका कलर और इसका टेक्स्चर चेंज ना हो, ये एज इट इज़ रहे थोड़ी देर के लिए, और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो अपनी पसंद के कुछ फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब देखिए हमारा बेस रेडी हो गया है पफ पेस्ट्री का, उसको मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैंने उसके सेंटर को थोड़ा सा प्रेस कर लिया एक स्पून की हेल्प से। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पहले से ही बना के रखा था, कस्टर्ड पाउडर से बनाया है मैंने कस्टर्ड, जो कि मैं इसके अंदर फिल कर दूंगी और उसके बाद मैं ये फ्रूट से डेकोरेट कर दूंगी। तो फ्रूट्स का डेकोरेशन आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी कर सकते हैं, मैंने इस तरह से स्पून से डायरेक्टली रख दिया है। आप चाहें तो और इनोवेटिव हो सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ और अच्छे से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं फ्रूट्स को लेकर। देखिए अब मैंने अपने फ्रूट्स लगा लिए हैं, अब मैं इसके ऊपर शुगर पाउडर को स्प्रिंकल कर दूंगी और शुगर पाउडर स्प्रिंकल करते ही देखिए इसका अपीयरेंस भी थोड़ा चेंज हो गया है, देखने में ये बहुत अच्छा लगने लगा है और थोड़ा फ्रूट्स को भी थोड़ा सा मीठापन मिलेगा। देखिए फाइनल टच अप शुगर पाउडर से होने के बाद ये इतना बेहतरीन लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है। तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही झटपट तैयार होता है और आप पहले से इसके बेस तैयार करके रख सकते हैं और जो आपके गेस्ट आए तो आप असेंबल करके बस सर्व कर सकते हैं।